हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल. इट इज़ चैप्टर नंबर 3 होल नंबर्स, एक्सरसाइज 3E, क्वेश्चन नंबर 6. इन दैट क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट डिविडेंड इज इक्वल टू 59761, क्वेश्चन इज इक्वल टू 189, रिमाइंडर इज इक्वल टू 37 एंड वी हैव टू फाइंड डिवीजन. सो लेट द डिवीजर इज इक्वल टू एक्स. वी नो द फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले 37 जो प्लस में है, इसे साइड चेंज करेंगे तो ये शिफ्ट होगा माइनस में. जब दोनों नंबर को माइनस किया तो हमें मिल रहा है 59724 इज इक्वल टू एक्स इंटू 189. एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 189 हम मल्टीप्लाई से चेंज करके डिवाइड में ले जाएंगे, और जब इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू यानी डिवीजर फाइंड हो रहा है 316. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है. डिविडेंड, डिवीजर और रिमाइंडर हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है. सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिविडेंड, डिवीजर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्वेश्चन के वैल्यू फाइंड करते हैं. पहले हम ये प्लस 75 जो है इसे साइड चेंज करके माइनस में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 55390 माइनस 75 इज इक्वल टू 299 इंटू एक्स. इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 55315 इज इक्वल टू 299 इंटू क्वेश्चन. क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करने के लिए 299 जो मल्टीप्लाई में है इसे साइड चेंज करके हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमें अपनी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं. आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसे 29 में से हमें माइनस, वो कौन सा नंबर है जिसे 13601 में से माइनस करने पर हमें 87 का परफेक्ट डिविज़र मिलेगा. तो सबसे पहले हम 13601 को 87 से डिवाइड करते हैं. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने सबसे पहले टेबल लिख लिया है. टेबल लिखने के बाद हम डिवाइड कर रहे हैं तो 87 वन ज़ा 87, माइनस किया 49. अब हम डाउन करेंगे 0. 87 फाइव ज़ा 435, माइनस करने पे हमें मिल रहा है 55. हम डाउन करेंगे 1. 87 सिक्स ज़ा हमें मिल रहा है 522, और जब हम 551 में से 522 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 29. इस तरह से 29 हमारा रिमाइंडर है, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई रिमाइंडर ना बचे. इट मीन्स हमें जो गिवन नंबर है उसमें से 29 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमें परफेक्ट डिवीजर मिल सकता है. सेम इसी तरह से आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें डिवाइड करना है 1056 बाय 23. सबसे पहले आप 23 का टेबल साइड से लिख लीजिए. 23 फोर ज़ा 92, 105 माइनस 92 आपको मिला 13. डाउन किया हमने 6. 23 फाइव ज़ा 115, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 21. इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 23 माइनस 21, इट मीन्स 2. सो 2 मस्ट बी एडेड टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23. यानी गिवन नंबर जो है उसमें हम 2 को ऐड करेंगे, 1058 जो होगा वो हमारा 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके भी बताया है कि 1058 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यहाँ पे हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कम्प्लीट कर सकते हैं. आइए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है 9999 को डिवाइड करना है 16 से. तो आइए हम इसके डिवाइड कर लेते हैं. 16 सिक्स ज़ा 96, माइनस किया 3, डाउन 9. 16 टू ज़ा 32, माइनस किया 7, डाउन 9. 16 फोर ज़ा 64, माइनस करेंगे 15. और ये 15 जो रिमाइंडर है ये हमारा, हम गिवन नंबर जो है 9999 में से माइनस करेंगे, यानी 9984 वो रिक्वायर्ड नंबर है जो 16 से पूरी तरह डिवाइड होगा, हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा.
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है और उसे 653 से डिवाइड करना है। लास्ट में जो नंबर है यहाँ पे वो हमारा रिमाइंडर है। अब इसको चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें चेक भी करना है, तो आप चेक उसी तरह से कीजिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सारी वैल्यूज़ रखिए, LHS और RHS आपका इक्वल आ रहा है, जैसा आप सॉल्यूशन में क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 होमवर्क में इजीली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए उसी के बेसिस पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।